पेपर लीक प्रकरण की बात करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, पेपर लीक प्रकरण में ईडी को अहम सुराग मिले हैं। रीट मामले में ईडी की प्रदीप पाराशर से पूछताछ लगातार चल रही है। पाराशर से अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक के भी अहम सुराग मिले हैं। ईडी आज तीसरे दिन भी प्रदीप पाराशर से पूछताछ कर रही है। पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग की अब माना यह जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग के बेहद करीबी रहा है प्रदीप पाराशर, जो ईडी की गिरफ्त में है। स्ट्रॉन्ग रूम से रामकृपाल मीणा ने पेपर निकाले, उदयराम के माध्यम से दलालों को रीट का पेपर दिया। ये पूरी जो कड़ी अब सामने निकल कर आई है और पाराशर से लगातार ईडी की जो पूछताछ हो रही है उसमें कई अहम सुराग निकले हैं और ये माना जा रहा है कि दूसरे पेपर लीक में भी इसका हाथ रहा है। ऐसे में पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वजह यह है कि प्रदीप पाराशर, जो कि ईडी की गिरफ्त में है, बेहद करीबी माना जाता है सुभाष गर्ग का। स्ट्रॉन्ग रूम से आपको बता दें कि रामकृपाल मीणा ने पेपर निकाले, उदयराम के माध्यम से दलालों को रीट का पेपर दिया और इसमें प्रदीप पाराशर की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसी ने स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर को निकालने का काम किया था और ये अब पुलिस के साथ अब ईडी के हत्या चढ़ चुका है। आपको बता दें कि ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। रीट पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जगी है। बड़े सुराग ईडी को पूछताछ में लगे हैं। तीसरे दिन भी पूछताछ जारी रहेगी। दो दिन से लगातार ईडी की गिरफ्त में प्रदीप पाराशर से पूछताछ कर रही है ईडी और अहम सुराग मिले हैं। परीक्षाओं के पेपर लीक के भी कई सुराग मिले हैं। दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक के सुराग मिले हैं। ईडी आज तीसरे दिन भी प्रदीप पाराशर से पूछताछ करेगी। पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ऐसा ये माना जा रहा है। ऐसा क्यों माना जा रहा है जरा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि सुभाष गर्ग के बेहद करीबी रहा है प्रदीप पाराशर, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका रीट पेपर लीक मामले में थी। मुख्य आरोपी प्रदीप है पाराशर। स्ट्रॉन्ग रूम से रामकृपाल मीणा ने निकाले पेपर और उदयराम के माध्यम से दलालों को रीट का पेपर दिया। इसमें तो स्ट्रॉन्ग रूम से यहां पर निकालने का काम किया गया था, प्रदीप पाराशर की तरफ से क्या क्या था, तो आप सोचिए कितनी बड़ी भूमिका इसकी रही है। और ना सिर्फ रीट पेपर मामले के यहां पर बड़े खुलासे होंगे, बल्कि ये माना जा रहा है कि और दूसरी जो परीक्षाएं लीक हुई थी उसके भी अहम सुराग ईडी को लगे हैं। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर तक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि रीट पेपर लीक प्रकरण के साथ साथ जो दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके जो पेपर लीक हुए हैं उसमें निश्चित तौर पर पिछली सरकार के कार्यकाल में बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल रहे हैं। चूंकि प्रदीप पाराशर ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग को वो 15 साल से ज्यादा समय से जानता है और जो जितने काम जो हुए हैं वो निश्चित तौर पर उनमें कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री की संलिप्तता इसमें शामिल उन्होंने बताई है। और इसके अलावा इस मामले में जो सबसे बड़ी बात है कि जो उदयराम विश्नोई है ये बाजार में पेपर बेचता था, इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ था और उस नेटवर्क के जरिए पैसे कलेक्शन का काम होता था। चूंकि रामकृपाल मीणा स्ट्रांग रूम से पेपर लेकर के गया था और उस पेपर को देने में प्रदीप पाराशर की भूमिका भी रही है। रामकृपाल मीणा जो है सरकार के कई मंत्रियों के और जो पूर्व तत्कालीन जो अध्यक्ष रहे हैं डीपी जारोली, धर्मपाल जारोली, उनके बेहद करीबी था, उन्हीं के इशारे पर ये सारे काम करता रहा है। चूंकि अभी भी पूछताछ जारी है और अब ईडी ने जो उदयराम विश्नोई, भजनलाल विश्नोई, राजूराम सहित रामकृपाल मीणा इन तमाम लोगों को समन भेजे हैं और समन भेज करके ईडी इनको गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ करेगी। निश्चित तौर पर इसमें अब बड़े मगरमच्छ जो है वो अब लपेटे में आने की तैयारी में है, क्योंकि ईडी बहुत गहनता से और साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ कर रही है और उसके आधार पर आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ जारी है। पूछताछ कल भी रहेगी और कई अन्य लोगों को भी ईडी जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। और ये जो पूरा एक सरगना राजस्थान में बना हुआ, जाहिर तौर पर ये नेटवर्क तोड़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रदीप पाराशर ऐसे ही रातों रात इतना बड़ा यहाँ पर पैट नहीं बैठा सकता था कि वो पूरा का पूरा पेपर लीक कर ले, यानी कि कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। सुभाष गर्ग जो कि पूर्व मंत्री हैं उनके करीबी रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि
सुभाषगढ़ से भी आने वाले समय में ईडी पूछताछ कर सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी राकेश हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स इस बड़ी खबर पर हम लेते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अग्निवीरों को लेकर देश के सभी अर्धसैनिक बल की नौकरी में पूर्व अग्निवीर के लिए 10% आरक्षित करने के केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसपी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स ने प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। कुछ महीने पहले ही गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री में 10% नौकरी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने के आदेश जारी किए थे, जिसे अब अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को पैरामिलिट्री में कांस्टेबल की भर्ती में न सिर्फ 10% का आरक्षण मिलेगा बल्कि फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों को के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। उन्हें मशक्कत की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो नहीं किया जाएगा। यूपी के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। राज्य में बहने वाली कई नदियां उफान पर आ गई हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में कई जगह 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों के किनारे बसे 100 से ज्यादा गांव बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी, बहराइच में भी बाढ़ से बुरा हाल है। सीतापुर में एक परिवार को पानी की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। शाजापुर में गर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने वहां के मेडिकल कॉलेज को अपनी जद में ले लिया। बलिया की घाघरा नदी में कटान के चलते 6 घर उसमें समा चुके हैं। 17 घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए, बिजली सप्लाई रोक दी गई। सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा भी लिया है। हिंदुस्तान पर लगा बारिश का आपातकाल, कुदरत के प्रहार से पहाड़ ध्वस्त होने लगे। मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से असम तक तबाही मचा दी है। नेपाल के पानी से बिहार और यूपी में मचा हाहाकार। पहाड़ों पर जमीनें धस रही हैं, बादल फट रहे हैं, चट्टाने गिर रही हैं। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है।
वहां मड़ी महेश डल झील की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी दरक गई। सामने आए वीडियो में पहाड़ी से फुल स्पीड में पत्थर गिरते दिखे और फिर धुएं का ऐसा गुबार उठा कि मानो कोई जोरदार बम विस्फोट हुआ हो। राहत की बात रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कपकोट इलाके में बारिश होने से सरयू नदी का भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में लोग डरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली पर भी बीती रात बड़ी स्ट्राइक हुई। दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली बवाना मुनक नहर में देर रात 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। पानी इतना ऊपर आया कि घरों में घुस गए और लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। ये बवाना की सुबह की तस्वीरें बताई जा रही है। मुनक नहर का कंक्रीट का हिस्सा टूटा है, जिसे रिपेयर करने के लिए काम चल रहा है। एक तरफ पानी घरों में घुस चुका है तो वहीं लोगों को साफ पानी की किल्लत हो गई है। चंदूरे जी, खुद घुटने से ऊपर पानी, जहां पर आप खुद भी यहां पर आए हैं, क्या स्थिति बनी है, कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ किया जाना चाहिए था? रात को 2:30 बजे मुझे फोन आया कि यहां पर JKLN ब्लॉक में पानी आया है। जी, घर पे कोई जा नहीं सकता, चूल्हा कोई जला नहीं सकता है, कह रहे ना खाने पीने का इंतजाम हुआ है ना पीने का पानी का इंतजाम है। पीने के पानी के टैंकर जल बोर्ड के लग गए हैं, कोने के ऊपर खाने का टेंट लगा हुआ आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया है। जहां पहले गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, अब वहां NDRF की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मकान खुद डूब गया, हमारे मकान में 3 फुट पानी है और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाले, सब निकाला गया हम सब लोगों को। एक तरफ आसमान से आफत की बारिश हो रही है तो आसमानी बिजली भी काल बनकर बरस रही है। बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो गई है। चंदौली में 6 लोग आसमानी बिजली की चपेट में आकर मारे गए। हालात सुधरने की बजाय भयावह होते जा रहे हैं। अब हालात ये है कि इंसानों के साथ जानवर भी जान गंवा रहे हैं। अभी तक बाढ़ से ग्रसित होकर 84 लोगों के साथ कई जानवर भी मौत के मुंह में समा चुके हैं। उधर काजीरंगा नेशनल पार्क में 150 से अधिक जानवरों के डूबकर मरने की खबर है। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। 3 दिन पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा था, जिसके बाद से रास्ते को खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया था। लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। हालांकि वहां तैनात SDRF के जवान लोगों की मदद और उन्हें पैदल रास्ता पार करने में लगातार रोक रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में कल तेज बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 2-3 दिन के अंदर बारिश का अनुमान है। बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्सों में लोगों की परेशानी ऐसे में बढ़ गई है। तस्वीरें जो बेबस कर देती हैं, तस्वीरें जो डराती हैं, तस्वीरें जो सिस्टम को ध्वस्त कर देती हैं, तस्वीरें जो कुदरत के कोप को बयां करती हैं। देश के कई हिस्सों में सैलाब ने मुसीबत के सारे दरवाजे खोल दिए। जहां नजर जाएगी, लोग सैलाब से जूझते दिखाई देंगे। संकट की इस घड़ी ने लाखों परिवारों को त्रासदी का चश्मदीद बना दिया है। लहरों के प्रचंड वेग ने इंसान के बनाए सारे सिस्टम को फेल कर दिया है। यूपी के अलग अलग जिलों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। डैम से छोड़े गए पानी ने चप्पे चप्पे को अपने शिकंजे में कस लिया है।
पहाड़ों से छोड़े गए पानी ने शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की पूरी तस्वीर को बदल दिया है। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच गया। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया। जहां पहले गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, अब वहां एनडीआरएफ की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी नदियां लगातार लोगों को डरा रही, क्योंकि इस सैलाब की वजह से यहां पूरा जनजीवन तहस नहस हो चुका है। हमारा मकान खुद डूब गया, हमारे मकान में 3 फुट पानी है और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाले, सब निकाला गया हम सब लोगों को। आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बलिया जैसे जिलों में बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे ही हालात की वजह से 24 घंटे में 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लखीमपुर खीरी के रहरी कला गांव में सैलाब कहर बरपा रहा है। बाढ़ का पानी हदों के पार जा चुका है। यहां एक भी घर ऐसा नहीं है जो सैलाब से सुरक्षित बचा हो। कभी जहां पक्की बनी हुई सड़क साफ दिखाई देती थी, वहां 10 फीट से ज्यादा पानी चल रहा है और उस पानी पर नाव का ही सहारा है। यहां के पंचायत सदन का भी हाल देख लीजिए, जो पूरी तरह सैलाब में समा चुका है। मुसीबत का आलम यह हो चुका है कि लोग छतों पर अपना जीवन गुजारने को मजबूर है। सिद्धार्थ नगर से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए। यहां सैलाब एक नव दंपति के लिए मुसीबत बन गया। नेपाल से आए पानी ने तटीय इलाके को घेर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूल्हा दुल्हन को विदाई के दौरान नाव का सहारा लेना पड़ा। उधर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और शिवहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्णिया में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जबकि वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। दिल्ली के बवाना में देर रात मुड़क नहर टूट गई, जिससे 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी सप्लाई बंद हो गया। आसपास के रिहायशी इलाके में भी पानी भर गया। ये पानी इतना ज्यादा था कि 1 से 2 घंटे में ही लोगों के घरों में कमर तक पानी पहुंचने लगा, जिसके बाद लोग अपने ही घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। लोगों के घरों में पानी घुसने से उनके बिजली के इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो आइटम्स थे, पानी की मोटर, घरों में रखा तमाम सामान खराब हो गया। ये तस्वीरें देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये किसी बाढ़ प्रभावित इलाके की तस्वीरें हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां जेजे कॉलोनी पर रात के अंधेरे में ऐसी आफत आई कि लोग घरों से निकलने को मजबूर हो गए। 12 बजे पानी भरना चालू हो गया, उसके बाद कोई मदद करने नहीं आया, सब ऐसे अपने आप इधर चल रही है। इधर ही रहेंगे ऐसे ही, रोड पे रहना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात से 1 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाया बच्चों ने, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है इधर। रात 12 बजे जेजे कॉलोनी दिल्ली, और ये सब हुआ आधी रात के वक्त, जब मुनक नहर की दीवारों ने जवाब दे दिया। बवाना और जेजे कॉलोनी के लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, नहर के पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते नहर का पानी घरों के दरवाजों को चीरता हुआ कमरों में पहुंच गया। जो चैन की नींद सोने जा रहे थे, उन्हें पानी ने बाहर निकलने को मजबूर कर दिया।
मैं आपको सीधी तस्वीरें देखिए ये बवाना की दिखा रही हूँ जहाँ पर गलियों के बाहर हम मौजूद हैं और पानी का लेवल आप यहाँ देखिए। देखिए मुनक लहर जो कि हरियाणा से दिल्ली के लिए पानी जहाँ पर आता है वो टूटी और उसके बाद ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी गहरा है। और पीछे गली के एंड में अगर आप देखें तो आप देखें कि वो लोग जो है जो एक बेदिंग टब होता है उसको नाव बना के इधर से उधर ले जा रहे हैं। वो बिल्कुल पीछे की तस्वीरें आप गली के एंड की अगर देखेंगे। 1 बजे रात से हम सारे के सारे घूम रहे हैं, ठिकाना ढूंढ रहे, इधर आ रहे हैं तो बच्चे सबको भी देखना पड़ रहा है, घर भी देखना पड़ रहा है। अब कहाँ जाए बताओ, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। पानी कम होना चाहिए ना, पानी अभी तक कम नहीं हुआ। अचानक आई इस आफत ने लोगों का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना लोगों के लिए चुनौती बन गया। यही वजह थी कि मौके पर नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। मैंने चीफ इंजीनियर मुनक नहर को संपर्क किया, उनके एचसीएम एससी बिंदोली गांव को, ये हरियाणा के अंदर बिंदोली वहां पर उस पानी को रोका जा रहा है, वहां से पानी डाइवर्ट होगा। नहर जब धीरे धीरे पानी खत्म होगा या तो इधर आएगा या बाहर जाएगा। बीते एक महीने में राजधानी दिल्ली से अलग अलग चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहले प्रचंड गर्मी के बीच लोगों ने दिल्ली को बूंद बूंद पानी के लिए तरसते देखा, उसके बाद एक दिन की बारिश में दिल्ली का बुरा हाल देखा और अब मुनक नहर की वजह से दिल्ली के एक बड़े इलाके का ये हाल हो गया। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है। दुनिया भर से मशहूर शख्सियतें इस ग्रैंड शादी का गवाह बनने के लिए मुंबई पहुंच चुकी हैं। एंटीलिया के साथ साथ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में शादी समारोह होगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज यानी 12 जुलाई के दिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने जा रही है, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटे का समय ही बाकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और जाने माने बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट आज शादी के अटूट बंधन में बंध जाएंगे। शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई जानी मानी बड़ी हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मुंबई पहुंच गई हैं। अनंत और राधिका आज साथ फेरे लेंगे, इसके लिए दोपहर 3 बजे शुभ मुहूर्त है। ये कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किए गए हैं। शादी काफी ग्रैंड होने वाली है, जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब है। देश की सबसे बड़ी शादी में बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी कई सितारे अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगाने वाले हैं, जिसके लिए मशहूर रैपर हनी सिंह भी मुंबई पहुंच चुके हैं। 3 दिन तक चलने वाली देश की अब तक की सबसे बड़ी और भव्य शादी में 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। ये कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। शादी से पहले एंटीलिया में अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए शिव शक्ति का अनुष्ठान भी हुआ, जिसमें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी भी शामिल हुए। वहीं मशहूर गायक कैलाश खेर और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने भक्ति के गीत पर परफॉर्म कर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। इस मौके पर खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
इससे पहले अंबानी परिवार के सदस्यों और मेहमानों ने घर में भगवान शिव की पूजा की और अनंत राधिका की शादी के लिए आशीर्वाद दिया। तो अंबानी परिवार की शिव साधना शिव शक्ति पूजा रखी गई थी। तमाम परिवार के न सिर्फ सदस्य इकट्ठा हुए बल्कि तमाम वीवीआईपीज भी पहुंचे और नीता अंबानी जब मीडिया गैलरी में पहुंची तो वहां पर पत्रकार उनके इस तरीके से खुद आने पर पहुंचने पर धन्यवाद देने पर खुश नजर आया और जमकर उनकी तारीफ की। और इसी के साथ हमारे मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। आगे देखिए गुरबंद।